आप पार्टी ने लुधियाना सीएल मुद्दे को लेकर सेंशन में हंगामा करते हुए वॉकआउट किया, जिसमें से आम आदमी पार्टी की मांग थी कि प्रश्नकाल से पहले मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन जब स्पीकर ने इसकी इजाजत न दी तो आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट किया, जिसमें अब नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कहा कि दो अधिकारियों को धमकी दी गई है, साथ ही उनकी फोन की रिकॉर्डिंग सामने रखी व धमकी देने का आरोप लगाया गया कि मंत्री भारत भूषण आशु धमकाते हुए अधिकारियों के काम में विघ्न डालना चाहते हैं। चीमा ने कहा कि हाउस में कमेटी बनकर जांच हो तथा आशु तब तक इस्तीफा दें। चार दिन पहला एक मामला लुधियाने का क्रॉप अप होया, सामने आया गया कि भारत भूषण आशु जी ने उत्थे एक सीएल जो पहला ले लिया बिल्डिंग बनाउण दे लई और जिहड़ी जमीन दी रजिस्ट्री च बाद च होई उदों लैके असीं जिहड़ी हैगी लगातार चार दिन तों संघर्ष कर रहे हैं। अज असीं क्वेश्चन आवर दौरान यह कहा गया भी सब तो पहला इस मामले ते बहस कराई जावे, पर लेकिन स्पीकर साहब ने आज्ञा दी उस गल लैके असीं वॉकआउट कीता गया और जिहड़ा मंत्री साहब ने लगातार डीएसपी नूं जां होर मंत्री नूं धमकियां दे रहे ने। जानकारी देते हुए सरबजीत कौर मनुके ने कहा कि विजिलेंस जांच में मंत्री का नाम आया है और जब नाम सामने आया है तो उसके बाद मंत्री को धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में जांच निष्पक्ष होगी, इस पर कैसे यकीन किया जा सकता है। चंडीगढ़ से नीरज अरोड़ा की रिपोर्ट।